प्यारी लग रही हो तुम। तुम जानती हो ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट है और तुम पे सूट करता। अब जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही। यू मस्ट बी हंग्री। बैठे आपको बच्चों की याद नहीं आ रही क्या? अरे मुझे एहसास है, मैं इस मुश्किल वक्त से अकेली नहीं गुजर रही, आप भी गुजर रहे हैं। इसलिए आप मुझे खुश करने के लिए अपनी परेशानी मत छुपाएं मुझसे। मैं जानती हूँ आप बच्चों के बिना खुश नहीं रह सकते और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। तो भैया तुम जानते हो मैं यहाँ आज तक बच्चों के बगैर सोया नहीं। और कितने दिन हो गए मैंने बच्चे देखे। बच्चे वापस नहीं आ सकते क्या? सुनाया नहीं आएगी, और अगर सुनाया नहीं आएगी तो बच्चे भी नहीं आएंगे। और वो इस घर में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि मैं यहाँ। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से कि बच्चे आपसे दूर हो गए। आप इस रिश्ते को अपने पे हावी मत करें, मुझे सिर्फ आपसे इज्जत चाहिए। और बात रही आपके साथ की, तो अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए आपके खातिर। एक और सही, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब बच्चे आपके पास आ जाएंगे। आप सनाया मैम को मना लें यहाँ पर आने के लिए और मेरा कहीं और रहने के लिए इंतजाम करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी जिंदगी में और इस घर में सनाया मैम की कोई जगह नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। अभी अगर तुम मेरे लिए इतना सब बर्दाश्त कर सकती हो तो सुनाया क्यों नहीं? मोहब्बत की पहली शर्त कुर्बानी है, और सनाया को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपको भूख लगी थी ना, चलें खाना खाएं, बैठे। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ।